ज्ञान नहीं जी। जैसे कि पिछले हफ्ते आपको ज्ञात है हुआ कि पोनंग गांव में जो है मंदिर में, बौद्ध मंदिर में और विष्णु मंदिर में जो कई जगह चोरी हो चुकी थी, लेकिन अब जो है वो चोर मिल चुके हैं। जैसे कि ये किन्नौर के लिए बहुत दुखद घटना है कि अब किन्नौर में चोरियां हो रही है और वो भी किन्नौर के लोग। क्या ये बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं या फिर अपने अपनी 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 जो है आवश्यकताओं को पूरी करते करने के लिए ये चोरियां कर रहे हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि जो चोरी करने वाले थे वो हमारे सांगला गांव के कामरों के थे और किलबा के थे, जिसमें से एक जो है नाबालिग बच्चा है। जो दो इसमें से दो जो है जो दो जो इसमें मुजरिम है वो मिल चुके हैं, जो बताया गया कि वो किलवा के हैं और दो अभी दो की अभी तलाश है। तो ये हमारे किन्नौर के लिए बेहद दुर्घ घटना बेहद दुखद घटना है कि हमारे किन्नौर में चोरी बढ़ रही है, और चोरी का मुख्य कारण है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो काम करना नहीं चाह रहे, क्योंकि हमारे किन्नौर में खेती बाग बगीचा सब कुछ, हम किन्नौर में कभी भी इंसान भूखा नहीं मर सकता कि यहाँ की वन संपदा ऐसी है कि हम कुछ ना कुछ काम करके जो है अपने आजीविका कमा सकते हैं। लेकिन आधुनिक युग में आपको पता है कि शाही ठाट बाट दिखाने के लिए जो है अपनी अपनी जो कमियों को जो है पूरा करने के लिए अब चोरियां कर रहे, वो काम चोर बन रहे लोग। तो मैं निवेदन करता हूं कि अपने माँ बापों से जो है अपने बच्चों को कृपया निगरानी करें। ये कोई छोटी छोटी मोटी घटना नहीं है, आपके मंदिर से चोरी करना, बौद्ध मंदिर से चोरी करना और इस प्रकार के नाबालिग बच्चों को सम्मिलित करना, ये किन्नौर के लिए दुर्भाग्य की बात है। किन्नौर जैसे जैसे धीरे धीरे जो है जितना हमें जो नेगी कहा जाता है भोले भोलेपन के लिए, हमारे हमारे जो है अपने अंदर के जो एक शरीफी को देखते हुए, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे जो है किन्नौर के नेगी होने पर जो है एक दाग लग रहा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, जैसे कि धीरे धीरे अब जो है गाँव हमारे किन्नौर में ब्राउन शुगर चिट्टा के प्रचलन है। जैसे कि कोठी गाँव में दो जो है लड़कों को जो है कोठी जो है चिट्टा पाए गई, तो हालांकि वो बाहर से थे लेकिन कहीं ना कहीं किन्नौर में अब जो है ये प्रचलित हो रहा है। इसके लिए हमें सजग रहना पड़ेगा। और ये थे अभी भावानगर में महिला जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें जो है डॉक्टर डेजी ठाकुर जो है जो हमारे महिला विकास के अधिकारी थे, उनके द्वारा इस जागरूकता अभियान में जो है भावानगर में करवाया था, महिलाओं को जागरूक किया कि इस प्रकार से महिलाएं अपने लिए सशक्त बन सकती है, अपने लिए अपने कानून के लिए अपने हक हकूक के लिए। छोटी सी एक वीडियो झलक आपको। द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आरंभ की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी महिलाएं सशक्त होंगे और इस जागरूक अभियान के द्वारा अपने कानून और कानून के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में समझ गए होंगे। तो ये था हमारा साप्ताहिक बुलेटिन में गतिविधियां। आप लोगों की गतिविधियां आ नहीं रही है, मैं चाह रहा हूं कि हमारे आसपास के आपके आसपास जो घटित हुई घटनाएं हैं, चाहे विकास की घटनाएं हो चाहे अन्य घटनाएं हो, उसको जरूर यहाँ पर ढाले या सुझाव ढाले हमारे साप्ताहिक बुलेटिन में किस प्रकार के जो है काम होने चाहिए। तो जैसे कि हमने 2 साल कोविड में गुजारा और कोविड के बाद जो है हम अब थोड़े से बाहर निकल चुके हैं, तभी इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, अब जो है खेल कूद भी हो रहे हैं, अब जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, क्योंकि 2 साल तक हम लोग किसी भी गतिविधियों में बड़ी मुश्किल से हमने निकाला है, चाहे शादी ब्याह हो अन्य हो। लेकिन अभी कोविड के हटते ही हमारे हिमाचल के जीवरी में तोशिम प्रोग्राम किया गया, उसकी छोटी सी झलक आप देखेंगे कि तोशिम प्रोग्राम किन्नौर का एक अहम प्रोग्राम है जिसे गेट टुगेदर भी कहते हैं। इसमें हम हमारे जो जो बाहर किन्नौर के बाहर जो रहते हैं छात्र हो गए, छात्राएं हो गए या फिर जॉब करने वाले, वो एक सामूहिक होकर एक प्रोग्राम इकट्ठा करते हैं, उसमें अपने अपने विचारों को साझा करते हैं, अपनी दिक्कतों को आपस में साझा करते, कहीं किसी को परेशानी हो, और उसके द्वारा अपने जो है एक तोशिम प्रोग्राम मनाया जाता है, जहाँ पर गीत संगीतों के द्वारा कुछ नए युवाओं को जो है एक प्रोत्साहन और अन्य प्रकार की गतिविधियों को बताया जाता है कि किस प्रकार से जो है किन्नौर में गतिविधियां चल रही है, और जो है आपस में मेल मिलाप का भी एक बहाना होता है और विचारों का भी संवाद होता है वहां पर। तोशिम प्रोग्राम जीवरी में मनाया गया, तो जहाँ पर
थोड़ी सी झलक आपको तोशिंग प्रोग्राम के ज्यूरी में, तो आप देखेंगे कि कैसे किन्नौर कोविड के बाद बाहर निकल रहा है और अपने आप को जो है एंजॉयमेंट कर रहा है। तो देखिए आपने देखा कि किस प्रकार से हम अब कोविड के बाहर निकले, अब कुछ गतिविधियों को हम जो है हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं आपस में। तो ये गेट टुगेदर किन्नौर का बहुत ही मशहूर, क्योंकि बाहर जब भी हम जो है अपने किन्नौर से बाहर रहते हैं तो ऐसे ही हम एक दूसरे से मिलकर अपने बातों को, संवादों को, जो है विचारों को प्रकट करते हैं, और नृत्य गायन और खान पान के द्वारा इस तोशिन प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। इस तोशिन प्रोग्राम में मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक HPSEB के जो हमारे आदरणीय PC नेगी जी थे, इन्होंने कहा कि इसे भाईचारा को बढ़ावा देना, कहा कि इससे अगर ये जो तोशिन प्रोग्राम है भाईचारा को बढ़ावा देता है, संस्कृति को बढ़ावा देता है और हमारे हमारे जो कल्चर को बढ़ावा देता है। तो ऐसे ही हमारे आदरणीय सुनीता पांगटू ने कहा कि इसे किन्नौर से बाहर जो रहते हैं उनके लिए ये तोशिन प्रोग्राम एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करता है। तो ये तोशिन प्रोग्राम इसलिए मनाया जाता है कि हम जब भी बाहर रहते हैं तो इसके लिए छात्र छात्राएं और जो यूनिवर्सिटी के हो गए या जॉब करने वाले, आपस में चाहे दिल्ली हो चाहे कहीं भी हो, तो तोशिन प्रोग्राम हमारा जो कल्चर का एक अलग प्रकार का जो आयोजन बनाया गया, ये चलता रहता है। चलिए, कोविड के बाद बहुत देर हुआ और अब हम जो है थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बाहर जैसे ही निकल रहे, आपको पता है कि अब जो है यहाँ पर जो है कुछ नशे का कारोबार, चोरी डकैती का भी कारोबार जो किन्नौर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो और जैसे कि पूनम गांव के बारे में बताया कि चार युवक थे, जिसमें से दो दो युवक जो है जो चोरी करने वाले थे वो पकड़े गए, और दो युवक जो बेचने में सम्मिलित थे वो अभी जो है वे फरार है। तो इसमें से एक नाबालिग भी है, और हमारे किन्नौर में ही ऐसे चिट्टा और ब्राउन शुगर आदि का मिलना ये बीमारी बहुत ही घातक है। तो ये किन्नौर साप्ताहिक बुलेटिन के द्वारा छोटी छोटी गतिविधियों को हम लेकर आते हैं। छोटी सी, आपको तो पता है कि जब भी कोई एक न्यूज आता है तो पूरा सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है, पूरे जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आप तक पहुंच जाता है। लेकिन हमने साप्ताहिक बुलेटिन रखा है, हम पूरे सप्ताह का छोटी 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 चीजों को लेकर आते हैं, जबकि ये चीज आपके तक पहुंची होती है, फिर भी हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा विस्तार से आपके समक्ष रखें। जैसे कि आज आपके पास एक प्रतिक्रिया आई होगी कि राष्ट्रीय एजेंसी NIA ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से कनेक्शन के आरोप में शिमला IPS पूर्व अतिरिक्त SP रह चुके अरविंद दिग्विजय नेगी को गिरफ्तार किया है, और पुलिस अधिकारी पर खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप है। SP के अलावा NIA के 5 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है पूर्व। तो ये एक बेहद दुखद घटना है, लेकिन हमारा जो किन्नौर है, हमारे किन्नौर के जो वरिष्ठ है, चाहे वो बड़े अधिकारी हो या छोटे लेवल के हो, आपको तो पता है कि किन्नौर के इसमें जो खून में नेकी का रहता है, लेकिन ये अगर नेकी छाप के साथ कोई या तो किसी प्रकार का जो है द्वेष हो सकता है, किसी प्रकार का जो है या फिर एक आरोप हो सकता है, या फिर उनको फंसाए जाने का एक साजिश भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि आदरणीय दिग्विजय नेगी जी पर आरोप झूठा साबित हो जाए, क्योंकि उन्होंने ऐसे बड़े बड़े कारनामे किए हिमाचल के लिए, और हमारे किन्नौर को गर्व की बात है कि उनके जैसा काबिल अफसर जो हमारे किन्नौर जो है हमारे जो है हिमाचल में जो है सेवाएं दे रहा था, हमारे गर्व की बात है। लेकिन विषय यहाँ पर आतंकवादी संगठनों तक जुड़ा है, तो देखना यह है कि क्या हमारे खून में इतनी गंदगी आई है। लेकिन हम हमारी गंदगी, हमारे किन्नौर के खून में इस प्रकार की गंदगी हो ही नहीं सकती। मैं कोशिश में मेरी यही आशाएं रहेगी कि हमारे नेक साफ साफ सुथरे छवि के साथ बाहर निकले। तो क्या
क्योंकि आपको तो पता है कि जब भी बड़े पोस्टों पे होते हैं उनकी छानबीन होती है, उन पर जो है उन पर जो शक हो सकता है, जब तक कि दोषी करार नहीं दे सकते हम किसी को मुजरिम नहीं कह सकते, और ना किन्नौर के लोग या अधिकारी इस प्रकार के मुजरिम हो सकते हैं। तो छोटी छोटी घटनाओं के साथ मैं छोटी छोटी घटनाओं को बताना चाहता हूँ। जैसे कि किन्नौर में मेडिकल जो अफसर एसोसिएशन ने जो हड़ताल किया था, उनका मुख्यतः हड़ताल का कारण था कि उनके वेतन को लेकर, वेतन वेतन में कुछ जो है उनको वेतन सरकार से एक निवेदन था कि वेतनों पर संशोधन करें। तो उन्होंने कुछ दिनों जो अपना जो है पेन डाउन रखा था, ये भी हमारे के जो साप्ताहिक बुलेटिन का एक वो रहा है। 27 फरवरी को 5,000 बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो। तो मैं निवेदन करता हूँ, अगर आप आस पास के जितने भी जो है अगर छोटे बच्चे हैं जो पोलियो पोलियो खुराक देनी है, तो 27 फरवरी निश्चित की गई, तो इसलिए आप सतर्क रहे, आपके बच्चों को जो है जो है पोलियो पिलाया जाएगा। यहाँ पर एक और एक छोटी सी देखने को मिल रहा है, जैसे कि सीएमओ यहाँ पर हमारे पास एक न्यूज आई थी, उजड़ने के कगार पर है किन्नौर का नेसंग गांव। इस पर जो है नेसंग गांव को उजड़ने के कगार पर, यहाँ पर एक न्यूज जो है सोशल मीडिया में चला था कि जिस पर जो है जयराम सरकार से ने जो है इस संबंध में प्रतिनिधि से जल्दी निर्णय की बात की थी। उन्होंने कहा कि किन्नौर में जो है नेसंग में जो है भूस्खलन और जो है बर्फबारी के कारण जो है थोड़ा वहाँ पर कुछ एरिया जो है बिल्कुल ही खतरा हो चुका है। इस पर उन्होंने जो है नेसंग के जितने भी गांव वाले ने जो है सरकार से अपील की उन्हें अलग जगह बसाया जाए। तो अन्य गतिविधियों को देखते और अन्य हम देखना चाहेंगे कि हमारे आसपास की क्या गतिविधियां हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी गतिविधियां हैं आसपास में, तो जरूर जो है आप यहां पर साझा करें। एक और एक गतिविधियां मैं उन उन युवाओं को बताना चाहता हूं, और उन जो है टाइम पास करने वाले या फिर जुआ खेलने वाले जो है जो 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 भी खिलाड़ी है उनके लिए एक डीसी साहब के द्वारा एक जो है आदेश निकला है, थोड़ा ध्यान से देख, जो भी अब ताश पकड़ता ताश खेलता हुआ दिखाई दे, चाहे घर में हो या घर के अंदर हो या आंगन में हो बाहर हो खुलेआम हो, तो उनके लिए जुर्माना तय किया है। देखिए डीसी ने दिया आदेश, अगर व्यक्ति ताश खेलते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, और जो व्यक्ति उनके पास बैठ कर देखता है, देखिए बैठने वालों पर भी जुर्माना, जो व्यक्ति उन पर बैठ कर देखता है उसको 2,000 जुर्माना लगाया जाएगा, और जिस मकान में खेलते हैं उसके मालिकों को 5,000, जिस मकान में खेलेंगे उसके मालिक को 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, अगर किसी निजी जगह पर या किसी सरकारी जगह पर खेलती है तो वहां 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। अगर इन नियमों का उल्लंघन करते, धारा 144 का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें 3 महीने की सजा हो सकती है। तो कृपया अब सतर्क रहिए, क्योंकि किन्नौर में वैसे भी आप देखते होंगे कई जगह तो अड्डे ही बने हैं, और कई जगह तो जो मकान ही है उनका जो जुआ का अड्डा बन चुका है, वहाँ पुलिस को सबको प्रशासन को सब पता है, लेकिन ये गेम है दिन प्रतिदिन चलता ही जा रहा है। तो चलिए कितना कारगर रहेगा इस पर हम जानना चाहेंगे। रिकांगपियो में वाहनों के लिए स्थान चयनित किया गया है, इस पर जो है सबको आपको पता लग गया होगा कि कहाँ कहाँ आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए 25 मिनट का समय दिया गया है। तो ऐसी कई घटनाएं जो है जो हमारे साप्ताहिक बुलेटिन में थी आपके समक्ष रखने की कोशिश की। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि ये साप्ताहिक बुलेटिन में आपके कमेंट को हम यहाँ पर साझा करने की कोशिश करते हैं, आपकी प्रतिक्रिया नहीं।